हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू G7 असिस्ट चैनल। और आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि क्या ब्रिग्जिट ये जो हमारा गेम है ऑफलाइन में वर्क करेगा कि नहीं। तो चेक कर लेते हैं। यहाँ पर मैं अपना मोबाइल डेटा ऑफ कर देता हूँ, वाईफाई भी ऑफ है और मैं ऑफलाइन हो चुका हूँ। अब हम हमारे गेम को ओपन करते हैं। तो सबसे पहले तो मैं थोड़ा वॉल्यूम कम कर देता हूँ। वैसे हम गेम की बात करें ना, तो ये एक न्यू गेम है जो कि अभी कुछ दिनों पहले ही लॉन्च हुआ है। साथ ही में ये एक ऑनलाइन गेम भी है, तो यहाँ पर आपको जो एरर है वो तो देखने को मिलेगा ही सही। बाकी चलो, जो आपको बताना था वो तो बता दिया, पर गेम प्ले अब चेक करते हैं हम। तो यहाँ पर मैं करता हूँ ओके पर क्लिक। अब इस गेम की अगर मैं बात करूँ ना, तो जैसे मैंने कहा एक न्यू गेम है, यहाँ पर ये गेम कुछ दिनों पहले ही लॉन्च हुआ है। एंड सेकेंड चीज़ ये है कि इस गेम का जो साइज़ है ना, वो 275 MB के अराउंड आपको जो है प्ले स्टोर पर देखने को मिलता है। और हाँ, गेम के अंदर में ये चीज़ अच्छी है कि एडिशनली कुछ भी नहीं लगता है। बाय द वे, अगर हम गेम की बात करें ना, तो ये मतलब छोटे बच्चों को ध्यान में रख के बनाया गया गेम है, क्योंकि यहाँ गेम में साउंड इफेक्ट से लेके तो गेम का एनिमेशन, गेम के अंदर की चीज़ें, ये सब मतलब बच्चों को देखकर ही बनाई गई है। यहाँ पर आपको वही अपनी चीज़ें बनानी रहती है, जैसे लिटिल बिग सिटी ये सब होता है ना, सिम सिटी, वही सब चीज़ें मतलब आपको यहाँ पर बनानी रहती है। गेम थोड़ा फ्यूचरिस्टिक मतलब है, क्योंकि यहाँ पर ये शायद 20 कुछ में चल रहा है, मार्स पे हैं हम, जहाँ तक मेरे को स्टोरी में तो यही दिखाया था। अब यहाँ पर अब हम चेक करेंगे तो ये हमारी प्रोफाइल है, और उसके बाद में अगर हम और कुछ चेक करें तो यहीं पर अगर मुझे सेटिंग का ऑप्शन भी देखने को मिलना ही चाहिए, तो वो क्या पता किस वाले में है। बाकी ये अच्छा है कि मतलब थोड़ा प्लम्पी इफ़ेक्ट दिया है। यहाँ पर आपको कुछ कुछ चीज़ें जो है ना, क्या बोलते हैं, ऐसे वो दी जाती है, क्या बनानी रहती है आपको खुद से ही। तो इस पर मैं क्लिक करके मैं आपको कुछ चीज़ें जैसे दिखा देता हूँ बिल्ड करके। इसको तो बिल्ड कर दिया मैंने, जैसे ये घर था ना उसको तो बनाया था मैंने खुद से। इस तरीके से ही बनाते हैं, यहाँ पर ये जो जो बताता है वो अपने को मतलब यहाँ पे बनाना रहता है। और हाँ, कुछ कुछ इन्फॉर्मेशन भी जो हमारा गेम है वो हमको प्रोवाइड कराता रहता है, तो वो छोटे बच्चों को ध्यान में रख के बनाया गया ना, तो इसकी वजह से आपको कुछ कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन भी दी जाएगी। तो छोटे बच्चों के लिए, जो छोटे छोटे होते हैं ना बिल्कुल, उनको अगर गेम्स खेलना है तो उनके मतलब ध्यान में रखते हुए ये गेम जो है बनाया गया है। यहाँ पर से आप प्रीव्यू देख सकते हैं। बाकी इधर से बैक हो जाता हूँ मैं, एंड ये जूम इन जूम आउट वाला है। उसके बाद में यहाँ से हम अलग अलग कैमरा एंगल में चेक कर सकते हैं उनके क्या कैसा है। और उसके बाद में यहाँ पर ये डे एंड नाइट का जो ऑप्शन है वो आपको देखने को मिलेगा। तो ये सारी चीज़ें आपको जो है यहाँ पर देखने को मिलती है। यहाँ पर से हमको खुद को अपने हिसाब से बिल्ड करना पड़ेगा चीज़ों को। बाकी हाँ, ओवरऑल अच्छा गेम है। और मतलब ऐसे ना आपका कैरेक्टर घूम भी सकता है, 3D इफ़ेक्ट भी है गेम में, ऐसा नहीं है। बाकी वो अभी यहाँ पर नहीं दिखा रहा है, पर हाँ आपने इस वीडियो को पूरा देखा उसके लिए भी थैंक यू।